तरीके से विदाई आज से मानी जाती है। पूरे भारतवर्ष में कई जगह अलग अलग नाम से त्यौहार मनाया जाता है, कहीं पोंगल के नाम से मनाया जाता है, सौर नववर्ष भी इसको कहते हैं, हमारा लोहड़ी मनाया जाता है पंजाब में, और हम लोग यहाँ मकर संक्रांति के नाम से इसको मनाते हैं। गर्मी और सर्दी हमने देखा, हम तिल गुड़ खाते हैं, रेबड़ी खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें इनकी तासीर एक ही ठंडी एक ही गर्म है, हमारे शरीर को फायदा देती है। गर्म तासीर की चीज़ों को ठंडी तासीर के साथ मिलाकर खाएंगे तो स्वास्थ्यवर्धक इस समय है, जो कफ बन जाता है शरीर के अंदर, वो कफ को जो मेडिकल डॉक्टर्स अभी हैं नहीं उपलब्ध तो इस विषय में अधिक ज्ञान दे सकते हैं, तो कफ जो है वो इस समय पर कम हो इसके कारण ये मनाया जाता है। और भी अनेकों अनेक कारण है, आप लोग पढ़ेंगे तो अखबारों में भी आता रहता है इसके बारे में। एक विषय और आज हमने लिया था महत्वपूर्ण, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का। स्वामी विवेकानंद जी हमारे पूरे भारतीय संस्कृति के एक बहुत बड़े ऐसे प्रवर्तक रहे जिन्होंने एक ऐसे अंधकार के समय में भारत को उस गर्त से निकाला जब हम सब लोग, पूरा भारतवर्ष एक तरीके से गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 1862 में जब आपका जन्म हुआ उस समय पूरे भारत लगभग गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, और 1857 की जब क्रांति हुई थी, बहुत बड़ी क्रांति पूरे देश में की गई थी आज़ादी के लिए, और दुर्भाग्य से वो क्रांति कई कारणों से फेल हो गई थी, और उसके बाद अंग्रेजों ने जो दमन चक्र चलाया था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, शायद कुछ लोगों को पता भी हो, कि 1857 से पहले लगभग लाखों की संख्या में हमारे यहाँ गुरुकुल थे। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल थे, हमारे वेद लिखे जा चुके थे, हमारे पुराण लिखे जा चुके थे, जब दुनिया ने विज्ञान की शुरुआत भी नहीं की थी, पढ़ाई की शुरुआत भी नहीं की थी, तब हम परिपक्व थे। वो सौर ज्ञान, वो ऊर्जा का ज्ञान, वो वैज्ञानिक ज्ञान, उसको नष्ट करने का एक कुचक्र बहुत बड़ा चलाया गया, और अंग्रेजों ने उसको बहुत बुरी तरीके से दमन किया, लाखों गुरुकुलों को आग लगा दी गई, कई सारे साहित्य को आग लगा दी गई, कई गुरुओं को बीच चौराहे पर मार डाला गया, बहुत बर्बरता के साथ उसको अन्याय को, हमारे ऊपर अत्याचार हुए, हमारे पुरखों के ऊपर अत्याचार हुए, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 150 वर्ष लगभग पुरानी बात है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ उस समय बहुत साधारण परिवेश से थे, वो साधारण परिवार से थे, साधारणतः उन दिनों परंपरा थी कि बच्चों को गुरुकुलों में या विद्यालयों में भेजा जाता था और मल्लशालाओं में भेजा जाता था, व्यायाम करने के लिए भेजा जाता था। तो 20 साल तक लगभग उनका जीवन का चक्र बहुत सामान्य चलता रहा, और कुल आयु विवेकानंद जी की 39